अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत में कार बनाना बंद करने जा रही है। फोर्ड मोटर्स के भारत में दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक चेन्नई में तो दूसरा गुजरात के सांडन में। इन दोनों प्लांट्स को बंद करने का फैसला फोर्ड मोटर्स ने किया है। इन प्लांट्स में फिगो, एस्पायर और इको स्पोर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। इसके अलावा फोर्ड इन मॉडल्स को भारत में बनाकर 70 देशों में एक्सपोर्ट भी करती थी। अब फोर्ड भारत में इंपोर्टेड कारों को ही बेचेगी। कंपनी की मस्टैंग को मस्टैंग मैच ई कारों की भारत में बिक्री इंपोर्ट करके ही होती है। इसके अलावा फोर्ड इलेक्ट्रिक कारों को भी इंपोर्ट करके ही बेचेगी। फोर्ड की लोकल यूनिट घाटे में चल रही थी और कोरोना के कारण हुई मुश्किलों से इसका नुकसान बढ़ गया था। खबरों की माने तो कंपनी को करीब भारत में $2 अरब का नुकसान हुआ है। फोर्ड इंडिया की भारत के ऑटो बाजार में करीब 1.5% हिस्सेदारी है। कार बिक्री के मामले में फोर्ड भारत में 9वें नंबर की कंपनी है। भारत में कंपनी फिगो, एस्पायर, फ्री स्टाइल, इको स्पोर्ट्स और एंडवर मॉडल्स बेचती है। इनकी प्राइस रेंज 7 लाख रुपए से 40 लाख रुपए की है। इसके अलावा कंपनी सुपर कार मस्टैंग को भी भारत में बेचती है, जिसके दाम 80 लाख के करीब है। फोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का बंद होना ऑटो सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका है। फोर्ड इंडिया ने इसे कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा बताया है। कंपनी अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों पर अपना फोकस बढ़ाना चाहती है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर कंपनी $30 बिलियन का निवेश करेगी। जनरल मोटर्स हार्ले के बाद फोर्ड तीसरी अमेरिकी कार कंपनी है जो भारत से अपना कारोबार समेट रही है। 1995 में फोर्ड ने भारत में अपना कारोबार शुरू किया था। फोर्ड की एंडेवर और इको स्पोर्ट्स को भारत में खूब पसंद किया जाता है, लेकिन पिछले 2 से 3 साल से फोर्ड की कारों की बिक्री भारत में तेजी से गिरी है। साल 2018 में फोर्ड ने भारत में 97,804 यूनिट्स बेची थी, साल 2019 में 73,600 और साल 2020 में 66,400 यूनिट्स बेची थी। अगस्त 2021 में फोर्ड की भारत में सिर्फ 1500 गाड़ियां ही बिकी। लगातार गिरती बिक्री से कंपनी का भारत में घाटा तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से कंपनी ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने का फैसला लिया है। फोर्ड के दोनों प्लांट्स में 4,40,000 कार और 6,10,000 इंजन बनाने की क्षमता थी। पिछले कुछ महीनों से इन दोनों प्लांट में कैपेसिटी का 20% ही काम हो रहा था। ग्लोबल ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए कंपनी 2022 तक इन दोनों प्लांट्स में काम जारी रखेगी। माना जा रहा है कि फोर्ड इन दोनों प्लांट को किसी ऑटो कंपनी को बेच सकती है। फोर्ड कार के चाहने वालों के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगर फोर्ड आयात करके भारत में कार बेचेगी तो ये महंगी हो सकती है, क्योंकि इन पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी। इसीलिए कंपनी मस्टैंग और हाई एंड कारों को ही भारत में बेचेगी।